नमस्कार दोस्तों, सांपों के ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों में सांप कम क्यों दिखाई देते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जिस तरह से गर्मी या बरसात के मौसम में सांप नजर आते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं दिखाई देते? सर्दियों में सांप कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या सर्दियों के दौरान अन्य स्तनधारियों जैसे भालू, चमगादड़, मेंढक, कछुए, गिलहरी और छिपकली की तरह सांप भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सांप ठंडियों में कहाँ चले जाते हैं और क्यों, क्या वे अन्य हाइबरनेटिंग जानवरों की तरह ही हाइबरनेट करते हैं या कुछ अंतर होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि वे सर्दियों में कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे जीवित रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हाइबरनेशन कुछ स्तनधारियों का शीतकालीन अभ्यास होता है। हाइबरनेशन क्या है और इसमें क्या होता है? हाइबरनेशन गहरी नींद की स्थिति है जिससे जानवर प्रतिकूल मौसम की स्थिति या भोजन की कमी से बचने के लिए ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। हाइबरनेशन स्थिति उनके शरीर के तापमान को कम करके, उनके दिल की धड़कन और सांस को धीमा करके, उनके चयापचय को कम करके और बहुत कम या कोई ऊर्जा नहीं होने पर सर्दी से बचने में मदद करती है। उनके शरीर तब संग्रहित वसा का उपयोग अपनी आवश्यक शारीरिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने और उन्हें पूरे मौसम में गर्म रखने के लिए करते हैं। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि सांप भी हाइबरनेट करते हैं क्योंकि हम उन्हें ठंडे महीनों में ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है और अप्रत्याशित और अवांछित हो सकती है। स्तनधारियों के विपरीत सांप पूर्ण हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं। इसके बजाय सांप एक समान अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे ब्रूमेशन कहा जाता है। ठंडे खून वाले जानवरों के रूप में सांप आमतौर पर गर्म रहने के लिए सूरज की गर्मी पर निर्भर रहते हैं। सर्दियों के दौरान जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वे प्रभावी रूप से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ब्रूमेशन को हाइबरनेशन के समान नींद की आवश्यकता नहीं होती है। वे तब जागते हैं जब तापमान गर्म हो जाता है और इस दौरान उन्हें भोजन और पानी के लिए चारे की आवश्यकता होती है। जब आवश्यक हो वे जाकर भोजन और पानी ढूंढेंगे और फिर लंबी अवधि के लिए ब्रूमेशन की स्थिति में लौट आएंगे। क्योंकि सांप कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, वे फीडिंग के बीच सामान्य से अधिक समय तक जा सकते हैं। जब सांप जंगल में ब्रूमेट करते हैं तो वे आमतौर पर गिलहरी, कृंतक, अन्य सांपों द्वारा बनाए गए मांद जैसे गर्म स्थानों में चले जाते हैं। वे पेड़ों के ठूंठों, गुफाओं और गहरी गुफाओं में भी बिल खोदेंगे। रणनीतिक रूप से सांप सुरक्षित छिपने वाले स्थानों में चले जाएंगे जहां हवा या बारिश से बाधित होने की बहुत कम संभावना होती है। कई बार सर्दियों में बेहतर ढंग से जीवित रहने के लिए सांप अन्य सांपों से शरीर की गर्मी का उपयोग करने के लिए मांद भी साझा करते हैं। इन मांदों में नर, मादा, बच्चे या यहां तक कि अलग अलग प्रजातियां भी हो सकती हैं। चूंकि इस समय के दौरान जीवित रहना मुख्य लक्ष्य है, वे भेदभाव नहीं करते हैं। उन क्षेत्रों में जहां आवास जंगली नहीं है, हमारे शहरों और उपनगरों में सांप अभी भी मौजूद हैं और उन्हें ब्रूमेशन की आवश्यकता होती है। एक प्राकृतिक शरण उपलब्ध के बिना वे गर्म रखने के लिए क्रॉल स्पेस, बेसमेंट, बॉयलर रूम, गराज, वुड पाइल्स, ओपन पाइप, बांस, शेड, स्टोरेज स्पेस या यहां तक कि कार इंजन जैसे गर्म रखने के लिए क्षेत्रों की तलाश करेंगे। मौसम के मिजाज के आधार पर सांपों का ब्रूमेशन सितंबर से दिसंबर तक कभी भी शुरू हो सकता है और मार्च या अप्रैल तक रह सकता है। इसके अलावा अगर गर्म मोर्चा मौसम को बदलता है तो उनके रक्त को गर्म करने और उन्हें अधिक सक्रिय बनाने पर सांप ब्रूमेशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अब आप सभी ब्रूमेशन के बारे में सब कुछ जान गए हैं और यह भी समझ गए हैं कि सर्दियों में सांप कम क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।